फिलहाल इस समय कमलेश की गेंद विजय के लिए दौड़ा बराबर के पहली गेंद इस सेमीफाइनल मुकाबले की दूसरी इनिंग की। यह गेंद अच्छी गेंद गिरने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर विजय साहनी के हाथों में। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं अभी भी रुका हुआ स्कोर शून्य पे खाता नहीं खुला है। पहली गेंद पे कोई रन नहीं फिर से अपने बॉलिंग मार्क पे कमलेश विजय के लिए। ये गेंद आप से काफी बाहर उसको खेला है पॉइंट और कवर के जाने दो खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता गेंद रुक पाएगी गेंद पॉइंट से बाहर चली गई चार रनों के लिए। एकदम रोशनी आ रही है और आठ ओवर कराना है 53 रन का फिलहाल इस समय कमलेश अगली गेंद लेकर दौड़ना प्रारंभ किया लेकिन पुल कर दिया है गेंद सुबह स्कोर लेग बाउंड्री से बाहर छह रनों के लिए। कमाल का ये शॉट जैसे ही देखा गया शॉट की डिलीवरी है इसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज विजय ने। फिलहाल कमलेश इस समय विजय के लिए गेंद करेंगे ये गेंद स्वीप करना चाहती थी लेकिन स्टंप को छोड़ के जा रही थी व्हाइट का इशारा अंपायर का अतिरिक्त के सहारे क्रम बढ़ता हुआ खाते में सीआरपीएफ गाजीपुर के 11 रन। इस बीच कमलेश की गेंद ये गेंद अच्छी गेंद टर्न किया है बहुत बेहतरीन चतुराई भरी है शॉट सीधे पॉइंट गली के बीच से दंदराती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई चार रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय विजय के द्वारा स्कोर बढ़कर हुआ 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। फिलहाल कमलेश विजय के लिए ये गेंद लॉन्ग ऑफ और कवर के ऊपर से खेला है खिलाड़ी दौड़ लगा रहे एक रन पूरा किया दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और निश्चित ही आसानी से दूसरा रन पूरा कर लेंगे तो दो रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा इस समय 17 रन। पहला ओवर प्रगति पे कमलेश का इनकम्प्लीट चलता हुआ अंतिम गेंद हो गई है कमलेश की। फिलहाल इस समय कमलेश की गेंद ये गेंद अच्छी गेंद संभवतः कुछ मिसफील होती हुई विकेट कीपर से दबाव जहां पे झलक रहा है सोनू टेंट हाउस को कम रनों का जो स्कोर बना है उसका दबाव दिखाई देने लगा है। ओवर की समाप्ति 22 में एक रन बनता हुआ 18 रन पहले ओवर की समाप्ति स्कोर भाई 18 रन। अपने पहले ओवर की समाप्ति पे आज ही के दिन ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा जो कि रात को 9 बजे से शुरू होगा। दर्शक आराम से खाना पीना खा कर आएंगे और ये टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आप लोग चाहे तो घर बैठे भी देख सकते हैं अगर नहीं आए तो। फिलहाल ये गेंद बहुत ही ऊंचा शॉट लामा के ऊपर से एक और बेहतरीन शॉट इस समय विजय के द्वारा लंबा छक्का इस समय विजय के बल्ले से निकलता हुआ स्कोर बढ़कर हुआ इस समय 24 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे विजय का स्वागत किया था विजय ने ये गेंद फिर से खेला इस बार कवर की जानी गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर चार रनों के लिए। एक और चौका ताला तोड़ बल्लेबाजी कही जाएगी इसी तरह की बल्लेबाजी होती रही तो निश्चित तौर से मुकाबला चार ओवर में ही खत्म हो जाएगा। विजय की गेंद विजय के लिए ये गेंद फुल टॉस लिया खेला है खिलाड़ी उधर मौजूद है नीरू रन से कुछ मिस फील्ड हुई एक रन पूरा कर लिया और केवल एक ही रन बनेगा। बहुत देर के बाद राहुल का बल्लेबाजी करने का मौका मिला है इस समय राहुल सामना करेंगे विजय साहनी की गेंदों का दौड़ना प्रारंभ किया ये गेंद दिशाहीन गेंद
एम्पायर जेपी यादव का इशारा वाइड का अतिरिक्त के सहारे एक रन बहता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस समय। रात 9 बजे से खेला जाएगा भाई। तीसरा दूसरे ओवर प्रगति पे बीके की गेंद होगी सामने है राहुल। इसमें से जो जीत टीम ये गेंद अच्छी गेंद कट करना चाहते थे गेंद बल्ले का संपर्क नहीं और बता हकान विकेट कीपर स्लिप के माध्यम से पूरा होता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ इस समय अभी भी 30 रन पे। दूसरा ओवर इस समय चल रहा है स्विच विजय की गेंद ये गेंद बहुत ही बेहतरीन शॉट कवर के ऊपर से खेला है एम्पायर की इशारे की प्रतीक्षा गेंद एक टप्पे के बाद कवर बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए अच्छा शॉट कहा जाएगा राहुल का। 35 रन जैसे ही देखा गेंद आपकी स्टंप थोड़ी सी बाहर की तरफ जा रही है बल्ले का फेस खोला कवर के ऊपर से खेल दिया 4 रनों के लिए। विजय की गेंद फिर से उसी दिशा में खेला है उसी अंदाज में फिर से दौड़ लगा रहे हैं गेंद देखना है रोक पाते हैं कि नहीं लेकिन गेंद कुछ बाउंड्री के करीब रोकी गई नीलू यादव के द्वारा मौका बल्लेबाजों के पास 2 रन बनाने का इस 2 रनों की मदद से स्कोर इसमें पहुंचता हुआ 36 रन 2 ओवर के समाप्ति पर 34-36 रन और 18 रन बनाने हैं और मैच को जीतने के लिए 54 पे जीते भाई बचे 36 गेंदों में 36 रन बन चुके हैं और 36 गेंदों में 18 रन बनाने हैं फाइनल क्वालिफाई करने के लिए सीआरपीएफ गाजीपुर को। आज फाइनल मैच रात में खेला केवल 3 लंबे शॉट की दरकार है। फिलहाल कमलेश आए हैं कोटे का दूसरा टीम का तीसरा ओवर लेकर सामने है विजय ये गेंद और खेला है गेंद जारी है नीलू यादव उधर मौजूद है उन्होंने फील्ड कर लिया थ्रो करते 1 रन बनता हुआ इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ के हुआ इस समय 1 कम रन होता है जीत की ओर सीआरपीएफ गाजीपुर की टीम के लिए। अब राहुल सामना करेंगे कमलेश की गेंदों को कमलेश अगली गेंद लेकर ये गेंद हल्के हाथों से खेला है गेंद जा रही है उधर खिलाड़ी मौजूद है विनय साहनी उन्होंने फील्ड कर लिया जब तक थ्रो करते छोर बदला बल्लेबाजों ने 1 रन और बनता हुआ इस समय स्कोर जा पहुंचा 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। फिलहाल इस समय कमलेश की गेंद ये गेंद और खेला है कवर की जानी खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं देख रहे हैं नहीं रोक पाएंगे और उनसे काफी दूर कवर बाउंड्री और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चली गई एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए तो तगड़ा शॉट खेला था यहाँ पे विजय ने 4 और रन कम होता हुआ इनकी जीत की जो टीम है इनकी ओर अग्रसित होती हुई समय ये गेंद अच्छी गेंद फिर से कट किया है और दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए अपना स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं जानते हैं कि यहां से अब हम हार नहीं सकते अगर कोई चमत्कार ही इन सोनू टेंट हाउस मैच जिता सकता है। फिलहाल इस समय कमलेश और राहुल के लिए कमलेश की गेंद राहुल के लिए ये गेंद उसको ऊंचा लॉफ्ट खेलने के चक्कर में पूरी तरह से बीट हुए और बचा हुआ काम विकेट कीपर बिट्टू ने पूरा किया। काफी नर्वस दिखाई दे रही है सोनी टेंट हाउस सलेमपुर की टीम जानते हैं किस टीम में और हमारे लिए कुछ बचा नहीं है कहां ससुराल है। 43 बीच कमलेश भाई ये गेंद हवा में खेला है कुछ अजीब बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। विकेट कीपर के सर के ऊपर से इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर हुआ इस समय 47 रन 7 रनों की और दरकरार मैच को जीतने के लिए। केवल 3 ओवर हुए हैं एक भी बल्लेबाज अभी तक आउट नहीं हुआ है 10 विकेटों से ये मैच लगता है जीत लेगी। नए गेंदबाज जो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं ये गेंद फुल टॉस में लिया है खेल दिया है गेंद लंगन बाउंड्री से बाहर एक टप्पे के बाद 4 रन 3 रन और बनाने हैं मैच को जीतने के लिए नहीं सर जी और जब मैच खत्म होगा
सभी खिलाड़ी मुसाफिर भाई के घर पहुंच जाएंगे और छक्के के साथ ये मैच को विन कर लिया है। 10 विकेटों से मुकाबला जीतकर फाइनल क्वालिफाई कर लिया है, तो तय हो चुका है कि सीआरपीएफ गाजीपुर वर्सेस आजमगढ़ के बीच मुकाबला, इसका फाइनल मुकाबला जो 9 बजे से खेला जाएगा रात्रिकालीन में, वो मुकाबला होगा। आप सभी क्रिकेट प्रेमियों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग खाना खा के सीधा 9 बजे से इस मैच का प्रसारण देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं और यहां आके बैठ के भी इस मैच का मुकाबला देख सकते हैं। तो आप लोग भूलिएगा मत, आज ही मैच खेला जाएगा, फाइनल मुकाबला होगा। तो आप लोग से गुजारिश है, आप लोग सीआरपीएफ गाजीपुर वर्सेस जगहरा आजमगढ़ के मध्य ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा जब कुछ देर के